सब खत्म हो गया, सब खत्म हो गया, ठीक है भाई, सब तहस नहस हो गया, हमसे कोई बात ना करे भाई, हम डिस्प्रेशन में, साफ सी बात है, हम डिस्प्रेशन में आ गए, हमसे कोई बात ना करे, थैंक यू। चलो भाई श्रीलंका एशिया कप जीत गई, ठीक है भाई, टाइटल उठा लिया, बहुत मजा आया, श्रीलंका वेल प्लेड, आपने बिल्कुल बेहतरीन खेले, अंडरडॉग्स आए थे और एशिया कप उठा के ले गए, बड़ा मजा आया, बेहतरीन हो गया, इनको करो साइड में, मैं आता हूं अपने वालों की तरफ। भाई मुझे एक बात बताओ, करना क्या चाहते हो, क्या करना क्या है, मुझे खाली ये बता दो, एक काम करो, ये एक सेकंड, ये चाकू लो, ठीक है, इसको यहां रखो और अंदर दे दो, मेरे दिल के अंदर मार दो मुझे, क्योंकि मैं जिंदा रह के क्या फायदा, जिंदा रह के तो ये सब देखना पड़ता है, ये किया क्या है मुझे पहले ये बताओ। भाई बॉबी को चलो साइड में किया, बाबर आजम जा, तुझे मैंने इस बार भी छोड़ दिया कि चल तुझे इतना लीवरेज देता हूं कि चल भाई तेरा, तू एज अ बैट्समैन पहला टूर्नामेंट हक रहा है, कोई बात नहीं जा। ये दूसरे जो है ये होलसम मोमेंट जिन्होंने लगा के रखे, भाई मैं क्या करूं तेरे 50 पे 55 का, मैं क्या अचार डालूं, यहां लटकाऊं या वहां लटकाऊं, क्या करूं मैं, आईसीसी का तू नंबर वन बैट्समैन है भाई, तू क्या कर रहा है, ऐसी रैंकिंग का मैं अचार डालूं, मैं क्या करूं ऐसी रैंकिंग का, नंबर वन और नंबर टू बैट्समैन दोनों हमारे पास है और दोनों ही फ्लॉप हो रहे हैं, तुम्हारे 50 पे 55 का कोई काम है इस वक्त, कुछ काम बनेगा मुझे ये बताओ, ना तुम टूर्नामेंट के टॉप स्कोरर हो ना तुमने मैच को जिताया, क्या करूं मैं इस 55 रन का। उसके बाद आता हूं फखर जमान पे, भाई फखर भाई तुम क्या करने आए हो, कुछ सोच के आए थे, कोई गेम प्लान था एशिया कप से पहले कि मैं घर से जा रहा हूं तो मैं कुछ करूंगा, कुछ था आइडिया कि बस ऐसे ही कि मैं बस टुल्ले लगा दूंगा, ठीक है चल गया तो चल गया, नहीं तो ठीक है, मसले की बात नहीं है। उसके बाद मैं पूछता हूँ शादाब खान से, अबे तुझे क्या सब कुछ करना है, सब कुछ करना है, बैटिंग भी कर लूं, बॉलिंग भी कर लूं, फील्डिंग में दूसरों की फील्डिंग में भी घुस जाऊं और उनके कैच भी ड्रॉप करवा दूं, एक काम कर मेरा कोर्स रुक गया, यूनिवर्सिटी जाके वो भी क्लियर करवा दे, कर सकता तो बता दे, मैं मेरी जगह एग्जाम देने चला जाएगा भाई, नहीं तो फायदा नहीं सबका, करना क्या चाहते हो। अच्छा बाबर आजम के हम ज्यादा बात नहीं करेंगे, लेकिन भाई देखो चल भाई तुझसे बैटिंग में रन नहीं हो रहे, ठीक है भाई नहीं हो रहे तो भाई कैप्टनसी तो कर ले सही से, एरन फिंच से भी तो नहीं हो रहे, तो T20 वर्ल्ड कप उठा लिया ना उसने, क्या करूं मैं ऐसे रन का, क्या करूं मैं ऐसी कैप्टनसी का, नवाज से ओवर ही नहीं करवाया। अच्छा बाबर आजम के हम ज्यादा बात नहीं करेंगे, भाई तुझसे रन नहीं हो रहे ठीक है कोई बात नहीं, तू कैप्टन है टीम का, कैप्टन है तू, नवाज से एक ओवर करवाया, वो पूरे टूर्नामेंट में चीरफाड़ मचाई हुई है, उससे बंदे कब का पा रहे, तूने उससे एक ओवर करवाया जिसमें उसने 3 रन दिए, अबे पूरा स्पेल तो करवा उससे क्योंकि वो तेरा बॉलर है। नहीं मैं तो इसकी चाचा से करवाऊंगा, क्योंकि इसकी चाचा स्विमिंग पूल में ऐसे खड़े हुए थे यूं करके ऐसे या कुछ इस तरह का, स्विमिंग पूल में उन्होंने तस्वीर क्या डाल दी अपनी शर्टलेस, उनसे पूरा स्पेल करवा दिया और नवाज को कर दिया साइड में। और मुझे एक बात बताओ, ये टॉप ऑर्डर काहे का टॉप ऑर्डर बना के बैठे हुए हो जब तुमसे पूरे टूर्नामेंट स्कोर नहीं हो रहे, हैदर अली बैठा हुआ है वो बेचारा क्या पानी पिलाने है, उसका दुबई का ट्रिप करवाना, एक काम करो फिर मुझे भी इस तरह सेलेक्ट करके ले जाया करो, मुझे भी जरा ऑस्ट्रेलिया घुमा दो यार, वर्ल्ड कप आ रहा है मुझे ऑस्ट्रेलिया के टूर में ले जाओ, खिलाना तो ऐसे ही नहीं है किसी को, तो यार मेरा ट्रिप भी करवा दो, पैसे दूंगा आधे, टेंशन नहीं लो, लेकिन ले तो जाओ मुझे। अब ना ऐसा होगा पता है होगा क्या, अभी एक दो दिन में ना यूट्यूबर्स निकल के आएंगे और बोलेंगे कि हम जो है अपने प्लेयर्स को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, हमारे पहली दफा ऐसा हुआ है कि हमारे T20 के अंदर रैंकिंग के अंदर बंदे हैं और हम लोग इनको इस तरह क्रिटिसाइज कर रहे हैं, हम इनको डिजर्व नहीं करते। अब मुझे एक बात बता, मैं इस तरह की T20 रैंकिंग का करूं क्या, जब वो मेन इवेंट्स के अंदर मेगा इवेंट्स के अंदर मुझे कुछ करके नहीं दे रहे, ऐसी रैंकिंग का क्या फायदा, सर पे पहनूं इसको या अचार डालूंगा उसका। अबे T20 फॉर्मेट के अंदर रैंकिंग डजंट मैटर, स्ट्राइक रेट मैटर्स, ब्लडी स्ट्राइक रेट मैटर। T20 फॉर्मेट बना क्यों था पहले मुझे ये बताओ, पावर हिटिंग के लिए बना था कि आओ रख रख के छक्के कराओ और टीम को जिता दो, इसके अंदर एवरेज कहां से आ गया, कभी भी प्लेयर का एवरेज डिस्कस नहीं होता T20 में, स्ट्राइक रेट होता है, एवरेज के लिए वनडे और टेस्ट को देखा जाता है, गधो थोड़ी सेंस यूज किया करो। अभी लोग आके ये भी बोलेंगे कि भाई चलो फाइनल तक तो पहुंच गए ना कम से कम, भाई फाइनल तक जिस तरह पहुंचे वो सबको पता है, ठीक है इंडिया को पहुंचना था फाइनल में, वो डिजर्विंग थी, वो तो उनके एक दो मसले हो गए बीच में, ये हम सबको पता है। अभी मुझे एक बात बताओ भाई, मुझे अकाउंटेबिलिटी चाहिए, मुझे ऐसे की तैसे मुझे एज अ फैन मुझे अकाउंटेबिलिटी चाहिए, ये हुआ क्या है मैच के अंदर 55 पे 5 लुड़काए हुए, उनके 55 पे 5 बंदे शॉर्ट है, उनके बॉलर ने आके छक्के करा दिए, उनके बॉलर ने आके लपेट दिए, ये कैसे हुआ मुझे को ये बता दे भाई, ये कैसी कैप्टनसी है भाई। बॉबी देखो आपस की बात है, साफ सी बात, जिसको बुरी लगे लगे, एज अ बैट्समैन बेहतरीन, यू आर बेहतरीन, तो मतलब वर्ल्ड क्लास, ठीक है कैप्टनसी माठी है, कैप्टनसी स्किल्स नहीं है मीडियोकर है, मान लो भाई प्लीज, आपको कैप्टन सिर्फ इसलिए बनाया था क्योंकि सरफराज अहमद को कैप्टनसी से हटाना था और मिसबा अलग को खुद को बचाना था कि मेरी कोचिंग के अंदर जो इस तरह से पाकिस्तान का गंदा परफॉर्म क्यों कर रही है, ये बात मानो ना, एक्सेप्ट करो इस बात को, क्या भाई हो गया मसला, किसी और को बनाओ भाई कैप्टन, कैप्टनसी के लिए मेंटेलिटी चाहिए होती है, हर अच्छा परफॉर्म करने वाला कैप्टन नहीं होता, रिकी पॉन्टिंग थोड़ी हो तुम, बाबर आजम हो भाई तुम बैटिंग करो ना अपनी। लेकिन मुझे पता है इस बात में मुझे गालियां पड़ने वाली है क्योंकि लोगों को लगेगा कि बाबर आजम ने कैप्टनसी बहुत अच्छी की है, अबे तुम्हारी कैप्टनसी माठी है, मानो इस बात को,
अब मसला पता है क्या, अभी एक दो रील चलना शुरू हो जाएंगी, तुम जीतो या हारो हमें तुमसे प्यार है। अबे प्यार तो हमें भी है, तभी तो हर टूर्नामेंट जगतों की तरह तुम्हें सपोर्ट करने आ जाते हैं, पता है दिल टूटेगा इसीलिए हम आ जाते हैं। लेकिन देखो भाई सारी मजाक की बातें सारी साइड में करो, श्रीलंका ने बेहतरीन खेला, इंडिया वालों से बड़ी माजरत यार, देखो हम थोड़ा ज्यादा बोल गए थे, बाकी मेरा सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं हुआ, मैं आज भी अपनी टीम को सपोर्ट करूंगा, ठीक है मैं अपनी टीम के साथ हूँ, मसले की बात नहीं है, कोई बात नहीं भाई, आपको थोड़ा ज्यादा रगड़ दिया था, हम हार गए फाइनल में, कम से कम पहुंचे तो फाइनल में, तुम तो वहां भी नहीं पहुंचे, तो इंडिया वालों से भी क्या थोड़ा हल्के हो जाओ, मुंह को मताओ। श्रीलंका ने बेहतरीन खेला, अफगानी चल चपाती लगा, बाकी जो भी होगा वर्ल्ड कप तक जो है ना हम सहलेंगे, अभी मैं खाना खाऊंगा मेरा दिल ओके हो जाएगा, मैं फिर आकर सो जाऊंगा, मुझे नींद आ जाएगी, मुझे आदत हो गई इन सब की, तो मसले की बात नहीं है, जैसा चल रहा है चलने दो, वर्ल्ड कप में देखेंगे, और भाई इंसान के बच्चे बनो, टीम को सही करो।